ताकतवर जंजीर से अगर एक भार को जोड़ दिया जाता है और बीच में ऑलपिन से अगर उसको जोड़ रखा है तो स्वाभाविक है कि वो कमजोर पड़ेगी और तोड़ देगी। बहुत कॉमन सेंस है। समस्या यही है कि कॉमन सेंस कॉमन लोगों में नहीं है। कॉमन सेंस इतनी सी चीज जरा सी जो हम लोग कई कई चीजों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग नहीं जानते। मैं जानता हूं कि आज अगर मैं शराब पीता हूं तो इसके रिजल्ट मुझे 15 साल बाद मिलने वाले हैं, लेकिन फिर मतलब मैं इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं अपने आप के ऊपर कि एक छोटी सी चीज मुझे इतनी स्पीड से आकर्षित कर रही है कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं और वो बस मैं उसके क्या मजे ले रहा हूं, मेरे मजे ले रहे हैं। एक सिगरेट, मैं ये कह रहा हूं इंडिविजुअल किसकी क्या आदत होती है, बट इंडिविजुअल की छोटी 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 सी चीजें जिंदगी के कहीं कोने में पड़ी हुई छोटी छोटी सी चीजें हमारे कई वर्षों के अनुभव से ओवरटेक करके हमसे आगे निकल जाता है। हम सोच भी नहीं पाते कि ऐसा होता है। एक छोटा सा सिगरेट, एक बंदे को मैंने देखा था सिगरेट कई लंबे समय तक पीने के बाद या लिटरली डॉक्टर ने उसके गाल में ऐसा किया और छेद कर दिया था, ऐसी चमड़ी खेल रही। धार के ही एक व्यक्ति थे जो अधिक दारू पीने के बाद जब कैंसर होने से मरे हैं तो क्या स्थिति उनकी हुई है। और मजे का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसी वक्त तो बहुत मजा आता है लेकिन वो दिन जब निकल जाता है उसके बाद वो याद भी आता है। मजे का सबसे बड़ा नुकसान भी बाद में आता था, क्या दिन सुहाने अब वो नहीं है सर। सिर्फ इतनी ही बात है। क्या सवाल इस बात का नहीं है, सवाल हमारी ट्रेनिंग से संबंधित बातों का है। आप लोगों को सब लोगों ने इतना ट्रेनिंग दिया होगा, सब कुछ किया होगा, आप खुद अपने जिंदगी के अनुभव के साथ बहुत सारी चीजें सीखते हैं, सब कुछ है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं उन्हें पर्सनल डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास से संबंधित से जोड़ता हूं। उसके पीछे सिर्फ एक ही तर्क है कि मैं ऐसा मानता हूं कि जहां तक मेरी पर्सनल लाइफ का सवाल है तो मैं मानसिक तौर पर कितना सुलझा हुआ हूं। हमारी जिंदगी की कैसेट को हम उलझने नहीं देते। सिंपल सा लॉजिक ये है, आज कितना भी कुछ हो जाए, अभी मैं 2-3 घंटे पहले एक सेमिनार देखकर आ रहा हूं जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इंदौर के एक प्रोफेशनल ट्यूटोरियल है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने जो मेंटर है उसके चीफ मेंटर उन्होंने एक बहुत शानदार लेक्चर एसपी जैन मुंबई के कॉलेज के अंदर दिया। उन्होंने बताया था कि उन्होंने कैसे जिंदगी की शुरुआत जीरो से करते हुए कहां किस मुकाम पर पहुंचे। तो उनके लेक्चर को सुनने के बाद मैंने इस बात का रियलाइजेशन किया है कि हम कितना भी जानते हैं लेकिन हमसे बेहतर ऑप्शंस हर बार मार्केट में उपलब्ध होते हैं। और सीधी सी बात है, कल एक छोटा सा जुमला मैंने कहा था कि जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। लॉजिक की बात है, मार्केट के अंदर आज के समय में कम क्वालिटी प्रोडक्ट और महंगी क्वालिटी प्रोडक्ट दोनों उपलब्ध है। हम इस बात का एनालिसिस नहीं कर पाते, इस बात को समझ नहीं पाते। जैसे एक 2 लाख की कार भी मार्केट के अंदर उपलब्ध है, उसमें भी 4 महीने हैं, उसके अंदर भी 4 लोग बैठ सकते हैं, मारुति 800 और एक महीनी 40 लाख की मर्सिडीज बेंज कार भी, उसके अंदर भी 4 महीने और 40 लोग बैठ पाते, तो फिर क्या अंतर। ढाबे के अंदर भी भोजन वही मिल रहा है, 20-25-30-40 रुपए के अंदर पूरा भोजन कम्प्लीट, 5 स्टार होटल के अंदर 40 रुपए टिप देने क्या नहीं पड़ेगी, 500-600 तक का भोजन उपलब्ध है। क्या अंतर है? अंतर यही है कि वहां पर ढाबे के अंदर एक गंदा लटका के वो ऐसे ग्लास पकड़ के लेता है, 5 स्टार होटल के अंदर उसी चीज को हो सकता है 5 स्टार होटल के अंदर उस चीज को अच्छे से 3 बार इलेक्ट्रॉनिक वॉश किया। अभी मैंने सयाजी होटल का अल्ट्रावायलेट चैम्बर देखा जिसके अंदर से बर्तनों को गुजारा जाता है ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया और वायरस न रहता है, धोने के बाद उन्हें अल्ट्रावायलेट चैम्बर से गुजारा जाता है, तो क्यों ना ले वो कॉस्ट इसका इतना। तो है मार्केट के अंदर ये सब चीजें, 1000 रुपए का 2000 रुपए का मोबाइल भी उपलब्ध है, 50,000 का भी मोबाइल उपलब्ध है। हर चीज में गुणवत्ता में सुधार आता है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी और क्वालिटी मतलब जीवन स्तर। यही चीज क्वालिटी बहुत मायने रखती है। क्वालिटी ठीक है, वस्तु में तो आपने बता दिया क्वालिटी, ह्यूमन बींग्स की क्या क्वालिटी, तो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी के लिए फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और वो चीज बहुत मायने रखती है। स्वाभाविक सी बात है, मेरा जूता गंदा ने पॉलिश किया, ओके, मेरा शर्ट अनप्रेस्ड है, मैंने उसको प्रेस किया, जरूरी है, अच्छा हो गया। और दिमाग अनप्रेस्ड और अनशाइंड है, अब उसका क्या है? हम ये भूल जाते हैं कि
कभी नजर कभी नादानी में कभी जवानी में न जाने क्या क्या करते रहे, धूल चेहरे पर पड़ी थी और आईना साफ करते रहे। वो समस्या हम मान के चलते हमारे मैनेजमेंट के अंदर एक ठंडा है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये बड़े डिग्री का है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, MBA। इसका एक और नया नाम मुझको बहुत आता है। तो सर मुझे कैसे पाओगे आप, आई नो है मुझे। ये जो बंधन है, ये बैरियर है, सोशल स्टेटस का बैरियर है, उम्र का बैरियर है, तमाम सारे बैरियर हमें इस बात को रोक देते हैं करने से कि हम बाकी कुछ अडॉप्ट करना चाहते हैं। बिलीव मी, ये बहुत मायने रखने वाली बात है। तो बात कर रहा था क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए आज इंटरनेशनल लेवल पर न सिर्फ इस डिपार्टमेंट में, थैंक गॉड की गवर्नमेंट इतना पैसा आज खर्च करने को तैयार है। मैं सैल्यूट करता हूं उनके जज्बे को कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम और बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन।